मैं रोहित चौहान रेडी हूं आज न्यू टॉपिक और न्यू वीडियो के साथ आपके अपने चैनल सी वॉल्फ में। तो मैंने बहुत ही क्वेरी देखी कि काफ़ी लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आ रहा है फ़ोटो री अपलोड और सिग्नेचर री अपलोड करने में, और काफ़ी लोगों का फेस वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनकी फ़ोटो या तो बहुत पुरानी है या फिर उनकी फ़ोटो अपलोड नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको ऑप्शन नहीं आएगा, आपने कहाँ से वो चेक करना है। आपने अपना ये प्रोफाइल खोल लेनी है और उसमें ये अपडेट्स की फेरल प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप नीचे जाके देख सकते हैं कि ये मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर री अपलोड का, यहाँ पर फोटो का और यहाँ पर सिग्नेचर का मुझे री अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो मैं इसी के टॉपिक के ऊपर आज बात करूंगा, जैसे कि आज हमारे टॉपिक का नाम ही है हाउ टू री अपलोड ऑफ फोटो एंड सिग्नेचर ऑन डिजीसाइट। तो गाइज आपको कुछ ही सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और आप अपनी फोटो री अपलोड और या फिर सिग्नेचर री अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही यूट्यूब वीडियोज देखी जो कि बता रहे थे कि आपको इस अपलोड के आगे का जो लिंक है वो डिलीट कर देना है और आपकी उसके बाद फ़ोटो री अपलोड हो जाएगी या फिर सिग्नेचर री अपलोड हो जाएगा। तो ये सब जो भी प्रोसीजर थे ये सब अब बंद हो चुके हैं, डीजी की साइट की तरफ से बंद कर दिए गए हैं। तो अब कुछ ही सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप आता है कि इसके लिए सिर्फ दो ही लोग एलिजिबल है जो आपकी फ़ोटो री अपलोड या फिर सिग्नेचर री अपलोड करवा सकते हैं, वो है आपका फर्स्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां से आपने ट्रेनिंग कर रखी है वो इंस्टीट्यूट अगर MTI इंडोर सेल को मेल करेगा आपके बिहाफ पर तो आपकी फोटो एंड सिग्नेचर का री अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। और दूसरा है अगर आप कोर्स करने किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वो इंस्टीट्यूट आपके बिहाफ पर डीजी को मेल करेगा या फिर MTI इंडोर सेल को मेल करेगा और आपको MTI इंडोर सेल तभी परमिशन देगा फ़ोटो री अपलोड या फिर सिग्नेचर री अपलोड करने की। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको फॉरवर्ड करने हैं अपने इंस्टीट्यूट को, जिसमें कि फर्स्ट आ जाता है आपकी पिक्चर और वो भी वाइट बैकग्राउंड के साथ, और सेकेंड आता है इसमें इंडोर्स का प्रिंट आउट, और थर्ड आपका आता है CDC और उसके बाद पासपोर्ट। आपको ये चार चीज़ें अपना MTI को सेंड कर देनी है और वो आपके बिहाफ से MTI इंडोर सेल में मेल कर देंगे। और मैं आपको MTI इंडोर सेल का जो मेल ID है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अपना मेरेंटाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जो भी ID है वो आप उधर से कॉन्टैक्ट कर ले सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी मेल इंडोर सेल को करी थी और काफ़ी सारी अपनी MTI को करी थी, तो आपको देख लीजिए कि ये मेरे को इनकी तरफ से मेल आया है, देख सकते हैं आप। डियर सर मैडम, परमिशन हैज बिन ग्रांटेड, सी फेरर कैन नाउ चेंज हिज फोटो और सिग्नेचर, प्लीज फॉलो दी फोटो री अपलोड गाइडलाइंस, फोटोग्राफ शैल बी स्टैंडर्ड पासपोर्ट साइज, द बैकग्राउंड ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी वाइट, द फेस साइज शुड बी 75% टू 80% ऑफ द फोटोग्राफ। तो आप देख सकते हैं इनकी तरफ से मेरे को ये मेल आई है मैरेंटाइन ट्रेनिंग ट्रस्ट की तरफ से, मेरे को जो ये मेल आया है, और अब देखते हैं कि मेरे को ऑप्शन आया है कि नहीं। तो आप ये देख सकते हो फ्रेंड्स, जो कि मेरा पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था री अपलोड करने का, अब वो मेरा री अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।